वर्तमान में साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। सरकार के विरोध में आंगनवाड़ी सेविकाओं ने दी गिरफ्तारी। आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और कर्मचारियों ने बुधवार को सरकार के खिलाफ गिरफ्तारियां दी। संविधान चौक पर आईटक के महासचिव श्याम काले के नेतृत्व में 1680 आंगनवाड़ी मददनीश कर्मचारी और आशा वर्करों ने जेल भरो आंदोलन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर संविधान चौक पर रास्ता रोकने का प्रयास किया गया। आंगनवाड़ी और मददनीश कर्मचारियों के वेतन में 19 महीने बाद भी बढ़ोतरी नहीं किए जाने के बाद आंदोलन किया गया। सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष को देखते हुए आगामी चुनाव में सरकार के विरोध में मतदान करने का निर्णय भी लिया गया। आईटक महासचिव काले ने बताया कि 20 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने आंगनवाड़ी सेविका के वेतन में 1500 रुपए, मिनी आंगनवाड़ी सेविका के मानधन में 1250 रुपए और सहायिका के मानधन में 750 रुपए बढ़ोतरी का निर्णय लिया था। 1 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्रालय ने परिपत्रक भी निकाला, लेकिन जनवरी तक आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2 बार मुख्यमंत्री व विभाग को मंत्री के साथ बैठक आयोजित की गई, लेकिन एन वक्त पर बैठक रद्द की गई। बताया गया है कि विभाग की मंत्री पंकजा मुंडे ने बैठक के लिए समय नहीं दिया। इसी तरह आशा कर्मचारी के मानधन में अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं होने के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।